दिया तूने मेरे प्यार का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस बड़ोला व्लॉग्स, और आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो प्लान बना है, हिमाचल साइड बन गया है कसोल का, एंड अपने साथ जाने वाले बंदे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन हमारे साथ जा रहा है जो जर्नी पे। दिल्ली से निकल चुके हैं और अभी जो है हम लोग अमरीक सुखदेव पे पहुंचे हैं। अमरीक सुखदेव सागर, हाय, हेलो, आकाश, केशव, रविंदर, और सारे एक्साइटेड है भाई। कसोल भाई, कसोल के लिए सब एक्साइटेड है, और थोड़ा टाइम हो चुका है, ब्लॉग जो है थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो है धमाल पूरा होगा और जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है। आगे जो है आपको जो है पूरे नज़ारे देखने को मिलेंगे, बहुत एंजॉय होगा, बहुत मज़े करेंगे। और अभी का जो टाइम हो रहा है 7 बजने वाले, अपने साथ पायलट जो है वही पुराना जा रहा है। पानीपत क्रॉस किया अभी हमने, रिवर साइड कैंप सोचा हुआ है वैसे, कि अगर मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी एक्साइटमेंट तो काफ़ी है क्योंकि कोई गया नहीं है पहले। कोई गया हुआ है भाई तुम में से कोई? खर्चा बता दे तुम्हें, और हाँ एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो भी आपको पता लग जाएंगे पूरा कितने लगेंगे। और यहाँ से जो है आपका लगभग 550 किलोमीटर पड़ जाता है कसोल। जा रहे हैं तो हिमाचल ही जा रहे हैं फिर तो, इस बार हिमाचल का हर बार उत्तराखंड बोलते हैं, और ऑडियंस के पता ये नहीं पता कि वहाँ ठंड कितनी है। जैकेट तो मैं लाया नहीं, मैंने एक स्वेटर लाया, एक जैकेट वैसे मैंने बोला मैंने रखने के लिए, आपने बोला था भाई, मैंने आपको बोला था। सीन ये है कि कसोल तो जा रहे हैं, आप लोग कहेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई कसोल जाता है, लेकिन बड़ी बात ये है कि किस में जा रहे हैं और कितने जा रहे हैं। पहले अरब में बहुत अंतर है, अब जो है आकाश भी जो है थोड़ा जो है जिम बॉय बन चुका है। तो भाई ये बड़ी चीज है कि 6 बंदे और वैगनआर में जा रहे हैं, तो ये बड़ी चीज है। ये वैसे आपको वैगनआर लग रही होगी लेकिन ये वैसे अपनी थार है। क्यों भाई, लोंडो है कि नहीं है? बाकी तो जो है पीछे वाले लोंडो का हाल पता करते हैं, क्या भाई सही है, पीछे सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। इन्होंने पैसे दे रखे, बोला सब बोलते रहे ना, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। ज्यादा एंजॉय कर रहा है। और यहाँ इधर जो था मैं बता दूं आपको, प्रमोद का भी जो था आज थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ चुका था, तो जैसे जो था एक बार को ट्रिप जो था मतलब मे भी हो सकता था, कैंसिल भी हो सकता था, टकमगा गया था थोड़ा तबीयत इसकी, फिर थोड़ा सा आराम मिला, फिर इसने भी हिम्मत करी तो इस बहाने जो है फिर हम निकल ही गए। 8 बज रहे हैं अभी, बाकी जो है आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे साथ के साथ। कुछ बंदे अपने स्टेटस अपडेट कर रहे हैं स्नैपचैट पे। नहीं मैंने स्नैप बनाई नहीं है। सब उधर कर, यहाँ पर अभी जो था थोड़ा सा सीन हो गया था, एक बाजी थे जिन्होंने थोड़ा ड्रिंक कर रखी थी, वो जो तो गाड़ी को हिट करके चले गए हैं, और हमने गाड़ी रोकनी भी चाहिए लेकिन गाड़ी जो है उन्होंने नहीं रोकी है,
बट कोई नहीं, अब ऐसे टाइम पे मैंने कहा हमारा भी मूड स्पॉइल हो जाता तो हमने भी। और जस्ट अभी जो है अम्बाला क्रॉस किया है और लगभग मतलब जो टाइम जो दिखा रहा है वो 5:30 तक दिखा रहा है। मॉर्निंग में 5:30 बजे तक पहुंच जाए हम लोग, कि मैं लोंडो से हाल पता करता हूँ। हाँ भाई, पीछे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अरे भाई कहाँ दिक्कत, इधर फिट है तेरे, तुम बैठे हो यार, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत है क्या? तो भाई अभी हमने फिर एक स्टॉप लिया है और यहाँ पर जो है थोड़ा लंच वगैरह करेंगे, डिनर करेंगे यहाँ पर। सुनवाई है, खाने की तैयारी हो रही है, सारे बंदे बैठ चुके हैं। पंजाबी स्टाइल में दिखाता हूँ मैं। तो आज पंजाबी स्टाइल में खाना होगा और हम दिखाते हैं हमने क्या क्या ऑर्डर करा है। अभी यहाँ पे अंदर होती है ये ना, मलाई है पूरी, मक्खन फुल है, दिखाते हैं पंजाब आईना पंजाब। चले भाई पहले खाना खाएंगे, उसके बाद आपको बताते हैं खाना कैसा लगा है। गाइस वी आर ईटिंग फूड। अभी जो है हमने डिनर करा है 11:30 बजे मस्त एकदम, और बट खाने में मजा आ गया ना। शेरे पंजाब है कि नहीं? शेरे पंजाब सब्जी थी यार वो, दूसरी वाली जो थी शेफे भाजी, शेफे भाजी प्रमोद, मस्त मजा आया डिनर में, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मजा आया, सारा अच्छा था। नहीं ये तो है, और क्वांटिटी भी अच्छी दे रखी थी। तो 12 का समय है और यहाँ पर जो है कुछ जो है हमारे फैमिली घायल हो गए, ढेर हो चुके हैं, दो बंदे उठे हुए हैं, चार बंदे की जगह घेर रखे दो बंदे पूरे लेट चुके हैं, बाकी बंदे ऐसे बैठे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा है, 6 बंदे कसोल शरारते हैं, 8 ये तो चार बंदे इन्होंने घेर रखे भाई। नगर की हालत खराब हो चुकी है यहाँ पर, 4 बज चुके हैं और लगभग जो है अभी 2.5 घंटे का रास्ता और बचा हुआ, अभी अपना चाय पियेंगे। शक्ल ही है जो दिख रही है तुम्हें। चले आगे देखेंगे, कहीं चाय की टपरी मिलती है तो थोड़ा चाय वगैरह पी के थोड़ा फ्रेशनेस आ जाएगी। और प्रमोद ला रहा है कंटिन्यू, बाकी सबने झपकी ली है लेकिन योद्धा डटा हुआ है बिल्कुल। सुबह सुबह जो है वादियां स्टार्ट हो गई हैं, अब दिख रही है बराबर, ठीक है। ये इसका तो कॉन्सेंट्रेशन उस पे था पूरा गाड़ी चलाते हुए। ₹492 यही घुमा दे क्या? तो भाई 6 बज चुके हैं और 6 बजे जो है हम अपनी मंजिल पे जो है पहुंचने वाले हैं। क्या जगह है? मयूर ढाबा पे रुके हैं चाय पीने के लिए और मौसम बहुत अच्छा है, मस्त चाय वगैरह पियेंगे और फिर यहाँ से आगे के लिए बढ़ेंगे। तो केशव एक तरह की जर्नी कैसी रही आपकी, एडवेंचर? हाँ टनल में मजा आया और पायलट से
अपनी गाड़ी के पायलट से। हाँ भाई पायलट रहा था, हमें तो खुद रहते हैं पायलट ना। ठीक है यार, कैसे करोगे? सुबह सुबह की चाय के साथ जो है शुरुआत हो चुकी है दोबारा, थोड़ी जो है थकान उतर चुकी है रात की, और चाय भी बढ़िया बनी हुई है। अब जर्नी जो है दोबारा स्टार्ट होगी अपनी यहाँ से। आओ आकाश को भी दिखाओगे इसके मारते हुए आकाश जी हमारे चुदरी लग रही है। चाय वाय पी के निकल चुके हैं यहाँ से आगे के लिए। चाय और बाकी का काम कौन बताएगा? चाय और यहाँ पर वो बाद में वो तोड़वा देगा। फ्रेश वगैरह भी हो चुके हैं, मैं यहाँ पर हल्के हो चुके हैं, लेकिन वहाँ जो है उनका टॉयलेट भारी हो गया होगा ज्यादा। भर दिया ना ने नालियाँ, भर दी यहाँ की हिमाचल की। तो गाइस 8 बज चुके हैं और हम लोग जो है कसौल पहुंच चुके हैं, वगैरह देख रहे हैं। अभी जो है हम लोग गए हैं पता करने, गए हैं पार्वती कैंप कसौल, देखते हैं यहाँ पे बेड वगैरह पता करते हैं क्या है, क्या हिसाब है। और इस तरह के कैंप है कुछ, यहाँ पे रिवर साइड है, आगे रिवर भी है, पार्वती रिवर बह रही है आगे और सागर। तो ये तो फुल बुक है, अच्छा था ये वाला ना। आगे पता करते हैं अच्छे थे कैंप, कोई नहीं आगे देखते हैं। एक और है विंटर फेल करके, अरे पूछने में क्या गाना है। तो अभी हम आए सेकंड लोकेशन पे, ना 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 चौथी चौथी ऑलरेडी तीन पे पूछ चुके हम। अब इसमें देखते हैं हमें जो है जगह मिलती है नहीं मिलती है। लग रहा बंदे काफी आ रखे हैं यार वीकेंड में यहाँ पे कसौल में। हमें भाई बहुत बंदे आ रखे हैं, प्लेस ही ऐसा है। मतलब अभी आना था जब हम लोग आए हैं। हाँ, ये मेंटल पीस चाहिए ना वो। चलिए जैसा आपको चाहिए। उन्हों आते हुए उदास से लग रहे हैं, इसका मतलब मुझे लग रहा है ये कैंप भी भर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे यादव जी, क्या खबर है? कुछ अच्छी खबर है? कोई है नहीं, आगे वाले में जा रहा हूँ या लेके जा रहे हैं मेरे को। कितने कैंप जो है मिल चुका है हमें, 10:10 है और मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर और आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पर करते हैं, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और आने वाले व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और देखते रहिए लिमिटलेस बड़ोला व्लॉग्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों दिस इज द लोकेशन।